Okay, now the question that I will going to solve here in front of you, and the topic that I will going to talk about today is pipelining, how you can achieve pipelining in RISC microprocessors. Now, what is the reason that pipelining is specific to RISC processors? Before we start talking about pipelining, thoda sa introduction hum le lete hain, RISC versus RISC. इसकी एक वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, नोट्स के अंदर भी इसकी डिटेल ऑलरेडी मौजूद है. वो एक चार्ट है जिसमें RISC माइक्रोप्रोसेसर्स और CISC का जो है वो आपस में जो है वो टेकन के डिफरेंसेस मेंशन किए गए. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पाइपलाइनिंग थिंग, अ स्मॉल ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ RISC वर्सेस CISC और थोड़ा सा व्हाट pipelining is actually. देखिए, initially जब हम microprocessors बनाने के लिए जाते हैं, we have specific tasks in hand. अगर हमें एक general purpose computer, laptop, smartphone बनाना है जिसपे different किस्म के applications, programs, software run हो सके, तो वो जो infrastructure है microprocessor का, वो reduced instruction set computer RISC कहलाता है. ठीक है, reduced instruction set. और इसका आर्किटेक्चर इस तरह का होता है कि इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं. ठीक है, जो ऑपकोड है ऑफ्टन इसका साइज छोटा होता है, लेकिन ऑपरेंड का साइज बड़ा होता है. इट कैन परफॉर्म लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस ऑन अ बिगर सेट ऑफ डाटा. ठीक है, तो ये RISC आर्किटेक्चर है. जितने आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर RISC बेस्ड. Their hardware is designed that way. They are created that way. Okay, initially. Then we have complex instruction set computers. Now, think of some specific tasks. Maybe. Okay, definitely a question from Saad Hassan. Jo complex instruction set computer hai usme, uska assembly language ka jo instruction size hai, we know that uske do portion hote hain. तो उसमें जो ऑपकोड का साइज होगा वो काफी बड़ा रखा जाता है ताकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन हो सके. लेकिन इस तरह के जो माइक्रोप्रोसेसर्स होते हैं, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, सैटेलाइट में लगा दिया, मे बी सम किसी जगह पे कुछ सर लैब है, उसमें बहुत सारी हैवी ड्यूटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, टेस्ला कॉर्पोरेशन की कोई नई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो रही है, मे बी उसके अंदर वो AI कंट्रोल और सब कुछ चीजें, एवरीथिंग आई टॉक. आजकल पाकिस्तान में काफी अच्छी अच्छी SUV गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, आल्सवेन अभी रिसेंटली मैंने सुना. कार्स आर ऑल्सो कमिंग अप विद दीज ऑल फीचर्स. तो उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होंगे वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होंगे, वो CISC बेस्ड होंगे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स. ठीक है, नाउ where the main differences goes with regards to their compiler, their execution times, how they execute different number of instructions, wo aap thoroughly notes mein padh lijiyega. Abhi right now ka task hamara pipelining hai, aur jo pipelining hai wo hum achieve karte hain sirf RISC processors ke andar. Theek hai, thoda sa introduction lena tha, ab hum dobara RISC ki taraf specific kar rahe hain. So before talking about पाइपलाइनिंग, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन साइकिल को देख लेते हैं. नाउ वी नो दैट कि जो RISC बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर्स हैं, उसमें हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर वी आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, माइक्रोप्रोसेसर. इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वी हैव कंट्रोल यूनिट, एंड वी हैव न्यूमेरियस रजिस्टर्स, मे बी MAR एंड MDR. ठीक है, इनके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट जो है वो रजिस्टर्स मौजूद होते हैं. जैसे ऑफ्टन ALU के अंदर जो हम रेफर कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेटर, और इसके अंदर दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं. अच्छा, लाजमी नहीं है कि हम इसके अंदर दिखाएं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्राम काउंटर एंड करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है, ये ऑफ्टन हमें, ठीक है, वी जस्ट एसोसिएट देम विद द कंट्रोल यूनिट.
वन न्यूमन आर्किटेक्चर है, स्टोर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास मेन मेमोरी, मेन मेमोरी वन न्यूमन के अंदर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा आपको एक ही मेमोरी के अंदर मिलता है, और इसका जो साइकिल है वो रन कैसे होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं कि फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, राइट बैक, सो एंड सो. नाउ व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एन इंस्ट्रक्शन हियर, इंस्ट्रक्शन का नाम हमारे पास ए है, और फिर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम बी है, और फिर एंड सो ऑन. ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक बिल्कुल लेमैन एक्सप्लेनेशन ये है कि यू फोर और फाइव फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग समवेयर, आप में से किसी के कोई घर अपार्टमेंट की जो है वो शिफ्टिंग हो रही है, दे आर जस्ट शिफ्टिंग देयर अपार्टमेंट फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, और अब तीन चार दोस्त क्यू के अंदर खड़े हो जाते हो. ठीक है, और आप कुछ सेटिंग इस तरह से बना लेते हो कि यार पहला वाला दोस्त सामान उठाएगा, वो दूसरे के हाथ में देगा, दूसरा थर्ड पर्सन के, फोर्थ पर्सन में, फिर उसको जाके वो आगे दरवाजे के पार रख देगा. So you're just doing something like this. Maybe think of an assembly line in industry. जिसमें एक component यहाँ पे रखा हुआ होता है, वो line by line चल रहा होता है आगे belt के ऊपर, conveyor belt के ऊपर, और सब लोग उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा function perform कर रहे होते हैं. And at the end of the conveyor belt, the product is ready. Okay. Now what if अगर मैं section A को fetch करूँ, maybe इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले address generate हो, फिर उसको हम यहाँ पे उसका डेटा फेच कर ले. ठीक है, फेच होने के बाद नाउ लुक, MAR से मेरे पास MDR में इंफॉर्मेशन आ गई. अब MDR से डेटा, ठीक है, फेच होने के बाद यहाँ पे मैंने डीकोड करने के लिए भेज दिया, तो ये A यहाँ पर आ गया. अब ये डीकोड होने के बाद यहाँ से चला और एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद ये पीछे राइट बैक होने के लिए चला गया. जब राइट बैक होने के लिए गया, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बी को फेच कर लिया. सो वन कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपके एक दोस्त ने सामान उठाया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, पांचवे को दिया, पांचवे ने रखा, तो फिर पहले वाले ने दूसरा सामान उठाया, वो वेट कर रहा है कि यार ये पहले जो है वो अपनी जगह पे पहुंच जाए. दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली. हाउ टू स्पीड अप दिस होल थिंग, कि मीनवाइल अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन ए यहाँ फेच होने के बाद यहाँ मूव हो गई है, तो पीछे वाला जो इसका फेचिंग का एड्रेस, फेचिंग वाला पार्ट है, वो अगर फ्री है तो ये काम कर ले. अगर यहाँ से डेटा डीकोड होने के लिए यहाँ पर आ गया ए, तो आप क्या कह रहे हैं, बी को यहाँ पे ले आए और सी को पीछे से फेच करना शुरू कर दिया. दिस साइकिल गोज ऑन. ठीक है, दिस इज व्हाट pipelining is, कि अगर previous बंदा free है, अगर previous आपका hardware component free है, so start doing that part. If fetching hardware is free and your instruction is now moved on towards the decoding part, so why not fetch the next one? And the decoding part is now free, the data is now moved towards the execution part. Why not, you know, fetch the data from the fetching towards decoding, or fetching wala usse agle wali instruction ko fetch karte. ठीक है, क्वाइट क्लियर आई गेस, आई एम प्रीटी होपफुल. इसको यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. द रिस्क प्रोसेसर हैज फोर इंस्ट्रक्शंस, ए बी सी एंड डी. ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस, इट्स गुड टू नो. ठीक है, लेकिन लेटर नीचे जाके तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. हमारे पास फाइव स्टेजेस है, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस हैं फाइव है. हर एक इंस्ट्रक्शन को इन फाइव स्टेजेस में से गो थ्रू होके जाना है, जब वो फिफ्थ स्टेज को क्रॉस कर जाएगी तो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा साइकिल उसके लिए. सो ए सबसे पहले फेच हो गया फर्स्ट साइकिल के ऊपर. ठीक है, क्लॉक साइकिल्स और यू कैन से स्टेप्स में भी. ठीक है, अगले क्लॉक साइकिल पर ए जो है वो डिकोड होने के लिए आ गया. अब हमारे पास पीछे फेच वाला पार्ट फ्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पाइपलाइनिंग के अकॉर्डिंग करें, लेट्स सपोज मैं पाइपलाइनिंग के थ्रू नहीं कर रहा, तो फिर पता है क्या होगा, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, राइट बैक हुआ, फिर मैं यहां से बी को फेच करूंगा. दिस इज विदाउट पाइपलाइनिंग. ठीक है,
फर्स्ट फाइव साइकिल्स में सेक्शन ए एंटर हुई, एग्जिट हुई, फिर मैंने बी को फेच किया. बट व्हाट वी विल डू इन पाइपलाइनिंग कि जैसे ही फेच वाला पार्ट फ्री है बी को, ठीक है, और ठीक है जब ए आगे पहुंचेगा तो बी यहां पे, इस तरह से दिस इज पाइपलाइनिंग. सी इस तरह से चलेगा, डी इस तरह से चलेगा, और सारे काम हमारे कितने साइकिल्स में हो जाएंगे भाई, कितने साइकिल्स में हो जाएंगे, 8 साइकिल्स में. नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल इज दैट कि अगर हम पाइपलाइनिंग अचीव ना करते हैं, ठीक है, विदाउट पाइपलाइनिंग इसी रिस्क प्रोसेसर को यूज करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन रन करते हैं, हर इंस्ट्रक्शन को 5 जो है वो स्टेजेस क्लियर करनी है, तो 4 इंस्ट्रक्शंस को टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितने लगेंगे? इफ एवरी इंस्ट्रक्शन नीड्स 5 स्टेजेस टू क्लियर, ऑफ कोर्स शायद 20, ठीक है, वेरी गुड. यस सुभान, थैंक यू शहीद, वेल डन. Now the next question. We have 5 stages. Take a multiply by we had 4 instructions, total cycles. Take a without pipelining 20. Now, Saad, very good. Okay now. Abhi right now isko humne demonstrate karne ke baad kya dekha ki with pipelining hum kitne cycles mein complete kar rahe hain isko. Of course, 8 cycles के अंदर, ठीक है? Yes, Mustafa, I'm listening to you, beta. नहीं, Mustafa, बाकी जो instructions हैं, instruction B, C, D, ये 1 से start नहीं होंगी. First cycle के ऊपर A मौजूद है, fetch हो रहा है, तो आप उसको B को कैसे first cycle पे शुरू कर सकते हैं? A डिकोडिंग की तरफ आएगा, फेच आपका जो है वो हार्डवेयर फ्री होगा, तो फिर सेकंड साइकिल पे आप बी को फेच करोगे, ठीक है. ए जब डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा, फिर आप बी को डिकोड करोगे, एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से चलेगा. ऑफ कोर्स बी जो है वो ए के बाद शुरू होगा, सी बी के बाद शुरू होगा, डी उसके बाद, जैसे जैसे सक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस आ रही है वैसे वैसे एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है. ओके, सो माय क्वेश्चन वाज के यहाँ डिमोंस्ट्रेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि पाइपलाइनिंग अचीव करने की वजह से हमने वो चारों इंस्ट्रक्शंस को 8 साइकल्स में कंप्लीट कर दिया, सो वी हैव गेट डन विद इट इन 8 नंबर ऑफ साइकल्स. सो वंस वी आर डन विद इट, व्हाट विल हैपन के द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने कितने साइकिल सेव किए पाइपलाइनिंग को अचीव करके, नंबर ऑफ साइकिल्स दैट वी हैव सेव्ड. सो इट्स ऑब्वियस हमने कितने साइकिल्स को सेव किया, 20 माइनस 8 12, सो वी हैव सेव्ड 12 साइकिल्स. इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप आगे जाके देखेंगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पे यही काम करने के लिए कहा है, आपको वर्किंग करके दिखानी है और आपको आंसर बताना. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ इट इज. द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट और द क्वेश्चन दैट माइट बी यू नो इट्स बीन पोंडर अपॉन अस, समटाइम व्हाट हैपेंस कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना. So this is question number October November 17 paper 3 ka variant 2 hai, theek hai, us par unhone ye condition hame yahan pe di hai ke explain bhi kya hai instruction, opcode, operand, what does it mean ke first or second operator ko, theek hai, aapne add karna hai aur phir destination register mein store karna hai. The program contains the following 3 instructions, add R3, R2. Let's have a look. This one. Okay. So now what will happen? Add R3, R2, R1.
इट्स मीन कि ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद इसके अंदर स्टोर होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद इसके अंदर स्टोर होंगे, एंड सो ऑन. नाउ यहां पे हम पाइपलाइनिंग अचीव क्यों नहीं कर सकते? द रीजन इज दिस कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि R3, ठीक है, अगर मैं इन इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल रन करना चाहूँ, फेच डीकोड एग्जीक्यूट स्टोर, फेच हो रही है और डीकोड होना शुरू हो गई, और अब यहाँ पे देखिए R3 में जब तक रिजल्ट कंप्लीटली स्टोर नहीं हो जाएगा R1 और R2 का, ये पहली वाली इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद, डीकोड होने के बाद, एग्जीक्यूट होकर जब तक स्टोर राइट बैक नहीं हो जाएगी, तब तक मुझे ये सेकंड इंस्ट्रक्शन फेच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही R3 यहाँ पे यूज हो रहा है. अगर इनको मैं पैरेलल में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूंगा तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो मेरा सही जनरेट नहीं होगा. तो इन सच सिनेरियोस यू कैन नॉट अचीव पाइपलाइनिंग. यहाँ पे कंपाइलर्स हैव टू बी इनहांस्ड, ऑप्टिमाइज्ड, इंटेलिजेंट कंपाइलर्स, या फिर प्रोग्रामर्स हैव टू बी इंटेलिजेंट. के ऑफ्टन आजकल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें जो कंपाइलर्स हैं वो इंटेलिजेंट कंपाइलर्स होते हैं, वो इन फॉरवर्ड रेफरेंसेस को खुद रिजॉल्व करते हैं, वो डिपेंडेबिलिटी देख रहे होते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड इन पाइथन एंड विजुअल बेसिक, आप टाइप कर रहे होते हैं और नीचे आपको सजेशन देना शुरू कर देता है. तो इस सिचुएशन में आप पाइपलाइनिंग इन दोनों इंस्ट्रक्शन के अंदर आप ख्याल करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन पहले पूरी एग्जीक्यूट हो, बाकी इंस्ट्रक्शन पहले जिसके अंदर डिपेंडेबिलिटी नहीं है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट होती रहे विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग. नॉफल देखो इंग्लिश में लिखना कोई इश्यू नहीं है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. मेन थिंग इज के यू जस्ट हैव टू गिव योर एक्सप्लेनेशन इन द राइट वे. Even if in NCI they just communicate in terms of computer science, मैं English की बाकी subjects की responsibility नहीं ले रहा, और जितने भी sciences के subjects हैं, if you have given your concept, you're gonna get the full marks, ठीक है? और जब आपका concept clear होगा तो keywords automatically जो है वो आ ही रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है? जैसे मैं often बात कर रहा होता तो हम code optimization का जिक्र कर रहे होते हैं, हम pipelining की बात मैंने कर दी, for example, this thing here, you cannot start executing the second instruction before the first one is completely written back or stored or it's completely executed. Why? Because we have a variable that is dependent on the second instruction. So in this case, instruction one has to be executed fully, written back, and then after that we can start executing the second instruction. Elsewise, there will be an error in the answer. Kisi bhi way mein, theek hai? I just made it myself immediately. So, agar aap itna sa isko bana loge, to you're gonna get the full marks. You just have to give the concept. Theek hai bhai? So, we are like done with the parallel, not the parallel processing actually. Parallel processing is something else. We have just done with the pipelining, concept of pipelining.